दिल से, दुल्हा निकला बिल से, प्यारी दिल से। Hey guys, this is your Diksha and welcome back to my channel Diksha's Work Small Town Girls. तो कैसे हैं आप लोग? I hope that you get will be really 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 happy if you subscribe my channel and hit that bell icon. Happy Holi! मैं आप लोगों को थोड़ा सा रंग लगा दूँ? अरे लगा देती हूँ, थोड़ा सा हैप्पी होली है, रंग के लिए मना नहीं करते। थोड़ा सा टीका लगाऊंगी, बस टीका लगा दो, टीका। अब लगा ना मजा, अब आया ना होली का मजा। तो गाइस थोड़ा सा मैं खुद को लगा लेती हूँ आप लोगों की तरफ से। लगा लू लगा लिया। हैप्पी होली फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स और हैप्पी होली टू माय क्यूट स्वीट ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शायरी के अंदाज में मैं आपको बता देती हूँ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। अभी तक आप लोगों ने खाई होगी बहुत सारी आलू भुजिया, और आज की वीडियो में मैं खाने वाली हूँ सो मेनी टाइप्स ऑफ गुजिया। इट्स अ स्पेशल गुजिया चैलेंज, क्योंकि होली है। मैं 24 आवर्स खाने वाली हूँ। चैलेंज में मैं वो मावे वाली मीठी गुजिया, खोए वाली मीठी गुजिया बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं बहुत ही वियर्ड लड़की हूँ, है ना, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज की वीडियो में हम खाएंगे सो मेनी टाइप्स ऑफ गुजिया, नमकीन गुजिया, चॉकलेट गुजिया, चाइनीज गुजिया और जेली गुजिया, पता नहीं कौन कौन सी गुजिया। सो वीडियो को एंड तक देखना है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ गुजिया के साथ। ब्रेकफास्ट में मैं कौन सी गुजिया खाऊंगी आप लोग कमेंट सेक्शन में गैस करो, ओके? तब तक मैं अपनी गुजिया लेकर आ। ये फ्राइड गुजिया नहीं है, मतलब अभी मैं अपने ब्रेकफास्ट में फ्राइड गुजिया भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्राइड गुजिया नहीं है। ये है मेरी बेक्ड गुजिया। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी ये व्हाइट सॉस पास्ता वाली गुजिया। सो गाइस व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं हम। उसके लिए हम लोगों ने सारी वेजीज को सौती कर लिया, उसके बाद उसमें मैदा डाल दिया, फिर दूध डाल दिया है, और फिर दूध डालने के बाद उसमें काली मिर्च और चिली फ्लेक्स भी डाल दी है, और मैगी मसाला भी डाला है, उससे टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। तो व्हाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मम्मी ने बनाई ये मैदे की छोटी छोटी पूड़ी, उसके बाद मैंने फिल किया इस पूड़ी में व्हाइट सॉस पास्ता, करके मैंने गुजिया बना दी, और उसके बाद इसको हमने बेक्ड भी किया था, फ्राइड भी किया था। तो आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हो। सो बेक्ड वाली गुजिया जरूर ट्राई करना एक बार, फ्राइड गुजिया तो हमेशा खाते हो, बट यहाँ देखो बेक्ड गुजिया तैयार हो चुकी है। आप देख लो कितनी यम्मी टेस्टी एंड डिलीशियस दिख रही हैं। और ये रही मेरी बेक्ड गुजिया। सो गाइस ये रही बेक्ड गुजिया, इसका ये फ्रंट था और ये बैक है, और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। आप लोग देख सकते हो इसमें व्हाइट सॉस पास्ता की फिलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी। मैं इसको टेस्ट करती हूँ, ठीक है? ये बेक्ड वाली गुजिया है। वाव, आप लोगों के साथ खाने वाली हूँ व्हाइट सॉस पास्ता फ्राइड वाली गुजिया की फीलिंग देखो आप। अब मैं खाने जा रही हूँ, ओके? वाओ गाइस, दिस इज माय ब्रेकफास्ट गुजिया, और मेरा ब्रेकफास्ट गुजिया इतना अच्छा गया है ना कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस ब्रेकफास्ट, और मुझे 3 घंटे तक कोई भूख नहीं लगने वाली है। तो मैं आज जितनी भी गुजिया खाऊंगी ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोग कौन सी गुजिया ट्राई करने वाले, क्योंकि मैं सारी रेसिपीज तो बता ही रही हूँ आपको, ओके? तो अब मिलते हैं लंच के टाइम में। हाय गाइस, इट्स लंच टाइम, और मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत फोटो शूट करके अपना। सो फोटो शूट वाली वीडियोस और वो चैनल पर लाइव है फोटो शूट वाली वीडियो, उसमें मैंने फोटो शूट भी किया है, बूमरैंग भी बनाई है, तो प्लीज आप लोग जा करके देखना। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे प्लेट में है चाउमीन। सो गाइस अब ये वाली
वाली जो गुजिया है वो है चौमीन गुजिया। चौमीन इज माई फेवरेट फूड, आई लव चौमीन। सो मैं लंच में चौमीन खाना ही पसंद करूंगी। आई गेस इसमें चौमीन ही है। हाँ, इसमें चौमीन ही है, बेक्ड चौमीन गुजिया। और ये है, ओह माय गॉड, वाओ। और ये है फ्राइड चौमीन गुजिया। तो मैं आपको दोनों के शॉट दिखाती हूँ पास से, उसके बाद हम इसको खाएंगे। मेरी जीभ तो इस चौमीन पे गई है। पहले हम खाएंगे बेक्ड चौमीन गुजिया। आप लोगों ने कभी खाई है क्या? खाई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इट लुक्स लाइक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक खाओ खाओ खाओ। मेरी मम्मी कह रही है कि काफी ज्यादा हेल्दी है बेक्ड वाली गुजिया। जो हेल्दी चीज होती है वो फिल कर लो और आप उसे बेक कर लो एयर फ्रायर में या माइक्रोवेव में, जो भी हो आपके पास, उसके लिए हेल्दी होगी। सो शुगर फ्री भी मिलती है जैसे कि गुजिया मार्केट में, तो आप वो भी कर सकते हो। अनहेल्दी वाली गुजिया खाने वाली हूँ। वाओ, हेल्दी अनहेल्दी दोनों चैलेंज हो रहा है मेरे साथ। चौमीन वाली गुजिया में मुझे फ्राइड वाली अच्छी लग रही है। फ्राइड वाली काफी ज्यादा टेस्टी और यम्मी लग रही है। सो मैं इसको वोट देना चाहती हूँ। कर रही हूँ अपना लंच, तब तक आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अब आ रही है इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं खाऊंगी मैक्रोनी गुजिया। सो गाइस, मैक्रोनी वाली गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैक्रोनी ली थी। तुम क्यों नहीं समझते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। गुजिया के स्टेट पे रख दिया था और मैं बना रही हूँ अजीबो गरीब गुजिया, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसे खा के गरीब, तो जरूर ट्राई करें घर में अपने, क्योंकि ये है हमारी मैक्रोनी गुजिया। बन गई थी आधी, फिर उसको फ्राई किया, बेक्ड भी किया था, फ्राइड भी किया था। तो गाइस, ये एक साइड है बेक्ड गुजिया, एक साइड है फ्राइड गुजिया। आप लोग गैस करो कौन सी बेक्ड है कौन सी फ्राइड है। तो ये रही सबसे पहले बेक्ड गुजिया। इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा था, लुक वाओ, गुजिया का भी लुक आता है, क्या ही कहती हूँ मैं। सो गाइस, ये मुझे बेक्ड नहीं फ्राइड लग रही है। हाँ, वो वाली फ्राइड थी, ये वाली बेक्ड है। हाँ, ये बेक्ड है गाइस। ये आप लोगों को बताओ, आप लोगों को कमेंट्स में बताना पड़ेगा कौन सी अच्छी लग रही है आप लोगों को। मैक्रोनी बनेगी और भी टेस्टी, क्योंकि मैक्रोनी में बनी है गुजिया या गुजिया में बनी है मैक्रोनी, पता नहीं है क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले हम बेक्ड वाली मैक्रोनी गुजिया खाएंगे, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मुझे ज्यादा मजा नहीं आया, मतलब अच्छा लगा, ठीक था, नाइस, बट अब फ्राइड वाली खा दिया। वाओ, यम्मी, मुझे अनहेल्दी फूड ही पसंद आता है गाइस, तो मुझे फ्राइड वाली अच्छी लगी है। ये तो ऐसा लग रहा है मेरा चाइनीज गुजिया चैलेंज हो गया है मेरा। अब मिलते हैं रात के वक्त जब मैं अपना डेजर्ट खाऊंगी। मेरा पेटू दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख भी रहा है तो कोई बात नहीं, अब इतना चाइनीज गुजिया खाऊंगी तो पेट तो निकलेगा ही। और होली किस लिए होती है दोस्तों? खाओ पियो एस करो मित्रों। नाइट में डेजर्ट के साथ, क्योंकि इतना गुजिया मैं खा चुकी हूँ, मेरा डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं डेजर्ट खाऊंगी अब। ओके, सो गाइस, अंधेरा हो चुका है, रात हो गई है, आप देख सकते हैं। तो रात में मैं डेजर्ट में खा रही हूँ चॉकलेट गुजिया, और ये है एक जेली वाली गुजिया। जो हमारी ये वाली जो गुजिया है ना, इसको हमने ये वाली कैंडी क्रश्ड करके। सो गाइस, इस गुजिया को हम लोगों ने अवन में बनाया था। सबसे पहले कैंडी को गुजिया के अंदर डाल दिया था और निकाल लिया गुजिया के शेप को, एंड देन डाल दिया उसको अवन में, और ये अवन में हमारी गुजिया 15 मिनट में रेडी हो गई थी। डाला है क्रश्ड नहीं, सीधा कैंडी ही डाल दिया था। तो पहले हम ये वाली गुजिया, हवा चल रही है। ओह माय गॉड, ये टूट नहीं रही है। कौन सा? प्लीज नो नो। सो गाइस, ये कैंडी वाली गुजिया कुछ ऐसी लग रही थी, ये मेल्ट हो गई थी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही थी। यार ये बहुत टेस्टी लग रही है, बेस्ट,
जितनी गुजिया खाई उनमें सबसे अच्छी ये लगी मुझे, क्योंकि इसका ऑरेंज वाला फ्लेवर बहुत टेस्टी आ रहा है कैंडी का। अब खाते हैं अपनी चॉकलेट गुजिया। सो गाइस, चॉकलेट गुजिया बनाने के लिए हमने गुजिया के अंदर डेयरी मिल्क रख ली थी, एंड ये ऊपर से डेयरी मिल्क को मेल्ट करके बेक करने के बाद डेयरी मिल्क को मेल्ट किया और उसमें वो उसका कोट किया और कुछ कैंडी और जेम्स लगाई और उसको फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दिया 10 मिनट के लिए। चॉकलेट गुजिया के अंदर ना हम लोगों ने डेयरी मिल्क भी फिल किया है, तो देखते हैं। इसको तोड़ नहीं पाऊंगी, इसको सीधे खाऊंगी मैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। मैं ज्यादा मीठा खाती नहीं हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट ये भी अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये वाला गुजिया लगा, ये कैंडी वाला आज मैंने खाई, सबसे पहले ही मैंने ब्रेकफास्ट में खाई थी। व्हाइट सॉस पास्ता गुजिया, बेक्ड और फ्राइड दोनों खाई थी ये, देन फिर मैंने खाई चाउमीन गुजिया, और फिर खाई मैकरोनी गुजिया, और लास्ट में डेजर्ट में मैंने खाई है कैंडी गुजिया एंड डेयरी मिल्क गुजिया, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। कैंडी और डेयरी मिल्क दोनों ही बेक्ड गुजिया थी। डेयरी मिल्क वाली गुजिया को हमने थोड़ा सा फ्रीजर में फ्रीज भी किया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और थोड़ा सा जो डेयरी मिल्क ऊपर से कोटेड किया था वो अच्छे से सेट हो जाए। सो गाइस, आपको कौन सी गुजिया अच्छी लगी? मुझे तो कैंडी वाली गुजिया बहुत अच्छी लगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये चैलेंज वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद चैलेंज किया है, तो आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि आप लोग इतने प्रकार की गुजिया बना करके खा सकते हो, सो मेनी टाइप्स ऑफ गुजिया। ओके, सो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट्स भी कर देना, आपकी फेवरेट गुजिया कौन सी है और आपको कौन सी गुजिया अच्छी लगी, आप लोग गुजिया खाते हो या नहीं, सब कुछ मुझे बता देना। ओके, सो लाइक शेयर कमेंट, डू सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @MissSmallTownGirl। आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं काफी ज्यादा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना। बाय गाइस।